हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही जल्दी से पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। अगर आपको चैप्टर आता है और आप बहुत जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो ये बेस्ट वीडियो है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्टडी मटेरियल के लिए मंदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मंदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं बच्चों। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो होता है जो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है, और बिल्कुल ऐसे चेंज करता है जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा का ग्राफ होता है। यहां पर आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ शो किया गया है। जीरो से ये स्टार्ट हुआ, फिर एक टाइम पे ये मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर इसने डायरेक्शन चेंज करी, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ। इसको कहा जाता है इसका वन कंप्लीट साइकिल। ये इसको करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये हो गया टाइम पीरियड का 1/4, ये हो गया टी बाय टू। ठीक, तो हम एक एक करके इस चैप्टर में ये देखेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, इनकी कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द रेजिस्टर। तो हमने एक रेजिस्टर है जिसके थ्रू, जिसके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, जैसे जैसे आपने ऑसिलेशंस चैप्टर पढ़ा होगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वहां पे ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी ये जो चीज ऑसिलेट कर रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वीएम, ठीक है। तो वी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, यहाँ रेजिस्टर के अक्रॉस हमने एक ईएमएफ का सोर्स लगा दिया, फिर हमने वी की जगह आई आर लिख दिया ओम्स लॉ से। ठीक, तो आई हमारा ये हो गया, और वीएम बाय आर को आप आई एम लिख सकते हो, तो आई हो गया आई एम साइन ओमेगा टी। तो वी था वीएम साइन ओमेगा टी, आई है आई एम साइन ओमेगा टी, जिससे क्लियरली पता लगता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बस करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होता है वोल्टेज से। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो करंट का ग्राफ भी ऐसे ही बन रहा है, वोल्टेज का भी ऐसा ही बन रहा है, बट मैग्नीट्यूड जो है वोल्टेज का वो ज्यादा जाएगा। मतलब दोनों सेम टाइम पे जीरो होंगे, फिर सेम टाइम पे अगेन जीरो होंगे, सेम टाइम पे डायरेक्शन चेंज करेंगे, सेम टाइम पे मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की वो ज्यादा होगी करंट से। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, देखो बच्चों, इस सर्किट में जो पावर होगी वो आई स्क्वायर आर होगी। आई की जगह हमने आई एम साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, तो आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। इसकी जरा एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आई एम स्क्वायर आर बाहर चला गया, ये एवरेज वैल्यू का साइन होता है कि हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया, तो हमें एवरेज वैल्यू पावर की मिल गई हाफ आई एम स्क्वायर आर। और अगर अगर पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो अगर हम इसको आई स्क्वायर आर के इक्वेट कर दें तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी आई एम बाई रूट टू। दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर एम एस वैल्यू, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर इसी सर्किट में जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करवाना होता उतने ही टाइम के लिए और वही रिजल्ट्स अचीव करने होते हैं, तो कितने डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती, एंड दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो आई आर एम एस इज 0.707 इंटू आई एम, आई एम मतलब पीक वैल्यू जो है ना, आई नॉट से भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, तो मैं आई एम आई नॉट दोनों लिख लिया है ताकि आपको किसी भी बुक से रिवाइज करो तो कंफ्यूजन ना हो। आर एम एस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं। आई नॉट बाई रूट टू 0.707, वी वर्चुअल, वी आर एम एस, वी इफेक्टिव, VM या वी नॉट बाई रूट टू 0.707 VM। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो RMS वैल्यू होती है करंट या वोल्टेज की वो 70.7% होती है पीक वैल्यू के, यानी कि अगर पीक वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट है तो RMS वैल्यू 70.7 वोल्ट होगी। ठीक, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू होती है 0.637 IM या 0.637 VM, राइट। एवरेज वैल्यू की भी आप वैल्यू याद रखो। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम में हम इनके बीच का फेज डिफरेंस दिखाते हैं करंट और वोल्टेज के बीच का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप यहां पे ये देख रहे हो कि ये यहां पे ये तो ग्राफ हो गया और ये फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम में आपने दिखाना है करंट और वोल्टेज दोनों को रोटेटिंग फेजर्स की हेल्प से। मान लो करंट और वोल्टेज ऐसे रोटेट कर रहे हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा SHM के अंदर कि कैसे एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन से कनेक्टेड है। जैसे जैसे ये घूमेगा इसका जो वाई कॉम्पोनेंट है वो लगातार बदलेगा, पहले वाई जीरो है, फिर वाई मैक्सिमम हुआ, फिर वाई जीरो हुआ, फिर वाई दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर वाई जीरो हुआ। यानी कि अगर ये रोटेट करेगा तो इसका जो वाई है उससे इसकी जो इसका जो वाई जिस तरीके से वेरी कर रहा है वैसे ही ऑसिलेशंस के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी, है ना। तो हम रोटेटिंग फेजर्स की हेल्प से
एक ऐसी चीज को जो साइनसोइडल वे में चेंज हो रही हो उसके मैग्नीट्यूड को दिखा सकते हैं। तो यहां पर वोल्टेज है और यहां पर करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों को एक साथ हमने दिखा दिया, एक साथ ही इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो ये रहा इसका फेजर डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अक्रॉस लगा दिया तो, और हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी Vm sin ओमेगा टी, अब यहां पे अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो यहां पर वोल्टेज जो है वो है V और यहां पर है L di माइनस L di by dt, तो V माइनस dl by dt सर्किट कंप्लीट इक्वल टू जीरो। यहां से di की वैल्यू आपको ये मिलेगी, लेकिन हमें तो i चाहिए, तो इसको हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इसको हमने इंटीग्रेट किया sin ओमेगा टी का माइनस cos ओमेगा टी by ओमेगा, और माइनस cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी माइनस pi by 2 लिख सकते हैं। ओमेगा एल की जगह हम लिख सकते हैं एक्सएल, विच इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टर में जब वो अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्टेड होता है तो इंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करने वाली जो क्वांटिटी है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और वीएम बाय एक्सएल की जगह हमने आईएम लिख दिया। तो यहां पर हमको पता चला कि करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से पाई बाय टू के एंगल पे, तो ये रहा वोल्टेज और पाई बाय टू पीछे ये रहा करंट, ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है। ग्राफ में अगर आप देखो तो ये रही वोल्टेज, लेकिन करंट आपको पाई बाय टू पीछे से स्टार्ट करना है और ये रहा करंट। कैपेसिटर में लगा दें तो क्यू होता है सीवी, किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो है सीवी, वी की जगह वीएम साइन ओमेगा टी लिख दिया, आई होता है डी क्यू बाई डी टी। यहां पर इसको अगर हमने डिफरेंशिएट करा, इंडक्टर वाले में इंटीग्रेट करा था, यहाँ डिफरेंशिएट करा, इसको हमने डिफरेंशिएट करा तो ओमेगा सी बाहर चला गया, साइंस क्योंकि साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा ना, तो ओमेगा सी बाहर आ गया, वीएम बाहर आ गया, वन अपॉन ओमेगा सी की जगह एक्स सी अगर हमने लिख दिया सो हमें यहाँ पे मिलेगा वीएम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, जिसको एक्स सी बोलते हैं, वीएम अपॉन एक्स सी इज आईएम, और प्लस पाई बाय टू यहाँ पे हमको मिल रहा है क्योंकि कॉस थीटा की जगह हमने साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है पाई बाय टू एंगल पे आगे, तो यहाँ पे वोल्टेज हमने बनाया है, करंट इससे पाई बाय टू एंगल पे हमने आगे बना दिया। सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने एलसी और आर तीनों को सीरीज में लगा दिया, करंट ऑब्वियसली तीनों में सेम होगा क्योंकि तीनों सीरीज में है, लेकिन रेजिस्टर में वोल्टेज जो है वो सेम फेज में होगी और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही है, इंडक्टर में करंट से वोल्टेज लीड कर रही है पाई बाय टू पे। इन तीनों डायग्राम्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पे हमें करंट मिलेगा, करंट की डायरेक्शन में वीआर मिलेगा और वीसी या वीएल ऊपर मिलेगा, वीसी नीचे मिलेगा, क्योंकि अगर अगर आप देखो कुछ इसको इस तरीके से अगर हम लोग बनाएं कि ये आई है ना, और वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर में जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही है, तो इस तरीके से मिलेगा। तो इन दोनों का जो नेट होगा वो होगा वीएल माइनस वीसी ऊपर की तरफ, और ये वीआर है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट वीआर स्क्वायर, अंडर रूट, अच्छा रूट स्क्वायर मैंने उधर लगा दिया, VR square plus VC minus VL का होल स्क्वायर, VR की जगह I into R रखा, VC की जगह I into XC, VL की जगह I into XL, I square root के अंदर और फिर I बाहर आ गया, VY I होता है इस सर्किट में जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी क्वांटिटी, जिसको इंपीडेंस बोलते हैं, Z से डिनोट करते हैं, तो इंपीडेंस का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो अगर आपको निकालना हो तो आप VC माइनस VL अपॉन VR कर सकते हो, है ना, दिस अपॉन दिस, क्योंकि tan थीटा लगाया ना, दिस अपॉन दिस tan phi आपको ये मिलेगा, I से I कटेगा क्योंकि VC की जगह I into XC, VL की जगह I into XL, I से I कटेगा, XC minus XL divided by R, आप इसको कर सकते हो, ठीक। यहां पर अगर इसका ग्राफ और फेजर डायग्राम देखें तो V ये है, phi इससे थोड़ा सा डिफरेंस पे आपने I दिखाया, ठीक है, ये V है और ये I है, ठीक है ना, थोड़ा सा फेज डिफरेंस पे आपने करंट दिखा दिया। इसके सारे फॉर्मूले इंपीडेंस ट्रायंगल से याद रखे जा सकते हैं, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसका बेस R ले लो, हाइपोटेन्यूज Z, ये एंगल phi, और परपेंडिकुलर एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी ले लो, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे, यू विल गेट जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, कॉस फाई आर बाय जेड, टेन फाई एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, जो भी फॉर्मुला आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स इस पे लगा सकते हो वो सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए भी सही होगा। एलआर सर्किट की अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका इंपीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ एक्सी नहीं लिखना, बाकी सिर्फ एक्सएल लिखना है क्योंकि सी वहां है नहीं, तो टेन फाइव एक्सएल बाय आर, और इसका इंपीडेंस एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। जब हमने पहले इंडक्टर की बात करी थी हमने उसका रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया था, क्योंकि यार इंडक्टर बना तो कॉपर का ही होता है ना, तो उसका रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, बट हमने पहले उसको इग्नोर कर दिया, अब हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे, तो फिर जो नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का या इंपीडेंस कह लो, दैट इज अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हमारा आरसी सर्किट है, आर और सी, XC लिखना है, XL हटा देना है यहाँ से, R Z tan phi हो गया XC by R, Z हो गया अंडर रूट XC square plus R square।
रेजोनेंस होता है जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं कंडीशन को। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज टू पाई न्यू एल, एक्सी वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज टू पाई न्यू सी। इस वाले न्यू को हमने न्यू आर से डिनोट करा। जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो गए उसे बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। न्यू आर इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, फॉर्मूला है 2 पाई को उधर ले जाओ, ओमेगा आर का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगा क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये घटेगा। पावर, पावर क्या होता है, वी इंटू आई। मान लो फेज डिफरेंस है फाई, तो वी है वीएम साइन ओमेगा टी, आई है आईएम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइन है टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करके टू साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगाया तो आपको फॉर्मूला मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें ये वाली टर्म तो टाइम डिपेंडेंट है, जिसका एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। सो दिस इज अवर एवरेज पावर। अगर टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया तो एवरेज पावर का यहाँ पे अपने को फॉर्मूला मिल गया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। फाइव जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में 90 डिग्री होता है, तो उनके लिए एवरेज पावर हो जाएगी जीरो। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के काम आता है, जिसमें दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होती है उधर वोल्टेज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो प्राइमरी में जो वोल्टेज अगर आप कम लगाओगे तो जितने टाइम्स ज्यादा यहाँ पे टर्न्स है उतने ज्यादा आपको वोल्टेज मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जो वोल्टेज को घटाए उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे जिसको हमने स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, और यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है हमारा अप्लाइड ईएमएफ, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज है, प्राइमरी में कितनी वोल्टेज होगी ईपी, जो कि होती है माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज होगी ईएस, जो कि होगी माइनस एनएस इंटू डी फाई बाई डी टी, है ना। डी फाई बाई डी टी हमने दोनों तरफ सेम लिया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ है। तो जो वोल्टेज होगी जिसको फाई से यहाँ पे डिनोट करा गया है, यहाँ आप ई से भी ले सकते हो, नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ पर फोकस करूंगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो यू विल गेट ईएस बाय ईपी इक्वल टू एनएस बाय एनपी। तो सिंपली जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उस तरफ वोल्टेज ज्यादा होगी। एनएस और एनपी की जो रेशियो है इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए एनएस बड़ा होता है एनपी छोटा होता है, क्योंकि ईएस बड़ा होता है ईपी छोटा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के जो है वो मोर देन वन होती है, क्योंकि अगर हम सारे लॉसेस इग्नोर कर दें ट्रांसफॉर्मर के तो जो पावर है ईपी आईपी वो ईएस आईएस के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि ईएस बाय ईपी ES by EP will be IP by IS। तो करंट उल्टा है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जितने टाइम्स बढ़ेगी करंट उतने टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी कैलकुलेशंस यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक, और ES by EP, IP by IS, NS by NP। लेकिन लॉसेस तो होते ही हैं ट्रांसफार्मर में, एनर्जी लॉसेस तो होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि लॉसेस नहीं हो रहे। तो क्या क्या लॉस है, एक तो फ्लक्स लॉस है। हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम फ्लक्स है, ऐसा नहीं है, फ्लक्स लीकेज होती है। कॉपर लॉस, कॉइल्स जो है कॉपर की बनी है, बार बार उसमें से करंट पास होगा, हीट पैदा होगी। आयरन लॉस, कोर जो है ट्रांसफार्मर का वो आयरन का बना है, बार बार करंट उसमें से जाएगा, हीट लॉस होगी। हिस्टेरेसिस लॉस, बार बार कोर मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, डोमेन्स की अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट में वर्क होगा, दैट इज ऑल्सो लॉस। हमिंग नॉइज, जैसे ही कॉइल्स में से करंट आएगा जाएगा, उनके दोनों पोल्स जो एंड्स हैं कॉइल्स के, नॉर्थ साउथ ऐसे 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 एक दूसरे को अट्रैक्ट, रिपेल, अट्रैक्ट, रिपेल, अट्रैक्ट, रिपेल, ऐसे, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन कम अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन कम अट्रैक्शन, ऐसे करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि एक हमिंग नॉइज पैदा होती है, और साउंड भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो भी एनर्जी लॉस है। तो ये सारे एनर्जी लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। और एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की, वो अभी हमने अज्यूम किया 100% एफिशिएंसी का, लेकिन लॉसेज को ध्यान में रखते हुए एफिशिएंसी होगी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। ठीक, तो ये आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।